रास्ते हुई है और किस तरीके से इन्होंने पूरी वारदात की प्लानिंग रची, क्या पूरी जानकारी है? ये 3 जुलाई को सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि पिनाहट कस्बे में 2 लोगों का मर्डर हुआ है और साथ में कुछ सामान भी गायब है। वहाँ पे फोरेंसिक यूनिट, साथ ही पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, डॉग स्क्वाड, सारे लोग गए और आसपास पूछताछ शुरू हुई। इसमें तत्काल 394 302 IPC का वाद पंजीकृत किया गया था। जब पुलिस ने इसमें जानकारी करना शुरू किया तो कुछ CCTV फुटेज साथ में हाथ में लगे और उनके माध्यम से पहचान कराई गई, तो एक शेरा नाम के व्यक्ति की पहचान हुई। जब उसको पुलिस ने पकड़ा, उससे विस्तृत पूछताछ हुई, तो उसने कई लोगों के और नाम बताए जो फुटेज में ऑलरेडी थे। उसमें से गोलू था, विपिन था, मंगला और अन्य लोग थे। और ये प्लानिंग पिछली दिवाली के लिए की गई थी, जिसमें पास पड़ोसी का गली का एक व्यक्ति जिसने रेकी किया था और किन्हीं कारणों से उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका था। तो पुरानी घटना के 2 लोग, साथ में नए और 3 लोग शामिल हुए इसमें। और रात में पहली बार गए, बाथरूम के दरवाजे से चढ़े, वहाँ पे उन्होंने इन्वर्टर नीचे ले आया, भारी होने की वजह से ले नहीं जा पाए, मेन दरवाजे से वापस गए और आगे जा करके एक व्यक्ति शेरा जो इसमें शामिल था, बाइक से इंतज़ार कर रहा था, उससे इन्होंने बताया। तो शेरा ने फिर से इंस्टिगेट किया कि नहीं, इसमें और भी सामान मिल सकता है, दोबारा चलते हैं। दोबारा जब ये लोग आए, ऊपर गए, तो इन्होंने दूसरा दरवाज़ा जिसमें दंपति सो रहे थे उसको खोला और वहाँ पे उनके जागने पर गला दबाया, पहले तो पति का दबाया और हथौड़े से भी वार किया, बाद में जो महिला थी उसका भी गला दबा दिया और पानी डाल दिया ताकि फिंगरप्रिंट वगैरह ना आने पाए, जैसा कि इन्होंने स्वीकार किया है। उसके बाद जो भी वहाँ पे सामान थे, लकड़ी की 2 अलमारियाँ थी दीवार में, उनको वहाँ से निकाल करके कुछ उनके अनुसार 1,90,000 नकद रुपये इनको मिले थे, साथ में आभूषण वगैरह मिले थे कुछ, और बैग था, कुछ चांदी के सिक्के थे, साथ में कुछ और सिक्के रखे थे छोटे छोटे से, तो उसको ये लेकर के चले गए और बंटवारा कर लिया। इसमें से इनके पास से अभी तक 96,000 रुपीज़ बरामद हुए हैं और साथ ही ज्वेलरी के आइटम्स जो ये वहाँ से ले गए थे वो बरामद हुए हैं। ये ज़्यादा बेच नहीं पाए थे। एक आरोपी मंगला फरार है, उसके लिए दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो बहुत पहले से बना रहे थे ये लोग, दिवाली से बता रहे हैं, प्लान बना रहे थे, तो क्या इतना लंबा टाइम कैसे हो गया एग्जीक्यूट करने में? नहीं, इसको एग्जीक्यूट किया था जो दिवाली के समय जो प्लान बना था, इसमें ये सारे 5 लोग नहीं थे, इस घटना के केवल 2 लोग थे जो अभी एग्जीक्यूट हुआ है। ये 2 लोग प्लस अन्य लोग थे जो दिवाली के समय घटना बनाई थी, वो लोग इसमें शामिल नहीं थे। इनका प्रोफाइल सर क्या, जो पकड़े गए लोग हैं? और प्रोफाइल ये अभी कम उम्र के सभी हैं और ज़्यादातर कोई काम नहीं करते हैं, घूमते रहते हैं। इसमें से एक व्यक्ति का, एक लड़की का गर्लफ्रेंड है, जिसको भी इन्होंने पैसे से देने की बात करी थी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, तो इधर उधर खर्च करने के लिए किया था। पेशेवर अभी तक ऐसा कोई के परिवारजन जरूर 200 किलो चांदी लूट में शामिल रहे हैं जब इसकी प्रोफाइल देखी गई। अभी और लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग पता कर रहे हैं। नहीं, मास्टर माइंड इसमें मंगला को शामिल किया गया था। मास्टर माइंड इसमें एक विपिन और गोलू करके हैं, वो 2 लोग हैं जो पहले भी एक बार दिवाली के समय भी वहाँ अटेम्प्ट कर चुके थे लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। गर्लफ्रेंड किसके, जिसको पैसे नहीं देने थे, मतलब इन आरोपियों में से किसकी गर्लफ्रेंड? अभी और किया जा रहा है, कई लोगों के इधर उधर संबंध है इस तरह से, तो ये कोशिश किया था इन लोगों ने ऐसा करने। पुलिस टीम को इसमें हमारी सभी टीम्स, जो सर्विलांस टीम है और क्राइम ब्रांच है, साथ ही जो थाने की टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत करके और इस घटना का अनावरण किया है। ब्लाइंड फेस था और एक चुनौतीपूर्ण था, इसके लिए टीम को नगद 25,000 रुपये से इनको पुरस्कृत भी किया गया। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।